प्रभु जी की जय। वैसे तो परिचय वो भी चुका है कई बार हो चुका है, लेकिन कुछ विशेष और जानकारी मिली कि आपने भागवत की ऊपर 100 अधिकारी भी किया है और भागवत की ऊपर 2 पुस्तक भी आपने लिखी है और प्रकाशित भी हो चुकी है। तो ऐसे आदरणीय मनोहर पांडे जी इस सत्र के अंदर भागवत और वो इस विषय पर हम सबको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो आदरणीय नमो यकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय कैवल्यप्रदये नमः। बोलिए गौ माता की भागवत जी और उसमें वो महिमा, वो माता की महिमा तो इतनी है कि हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वेदों से लेकर पुराणों तक रामचरित मानस तक ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं जिसमें वो महिमा का वर्णन न हुआ हो। और थोड़ी बहुत चर्चा हो गई, स्पर्श हुआ, विषय इतना ही नहीं, विस्तार से गो महिमा का वर्णन है। श्रीमद् भागवत जी व्यास जी की रचना भी कहें, रचना भी अशोकवत तो उन्होंने ही किया है, जबकि कथा तो सनातनी है, फिर भी व्यास गुफा में बद्रीनाथ जी में उन्होंने लेखन कार्य किया है नारद जी की प्रेरणा से। वो महिमा भागवत जी के महात्म से ही प्रारंभ हो जाती है। गोपाल जी की कथा जब कहते हैं और छत्तीसगढ़ में तो खड़ाध्यायी या ऐसा नहीं कहते, गौकरण कथा हो रही है, महात्म कहते हैं गौकरण कथा। भक्ति ज्ञान वैराग्य की भी चर्चा है लेकिन उसको नाम नहीं देते, गोकर्ण कथा होगी। तो गोकर्ण वहीं से ही गौ माता की महिमा प्रकट हो जाती है, महात्म से ही। बहुत से स्थानों में 7 दिवसीय ही कथा होती है, अलग से महात्म्य और गीता हम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में भी पहले महात्म्य और बाद में 9वें दिन गीता हवन का भी विधान है। तो हम जब भागवत कथा में जाए तो महात्म्य से ही गौ माता की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। जब गोकर्ण जी की कथा कहें, उनके प्राकट्य की चर्चा करें, तो उसी विषय में ही वहीं पर ही हम गौ माता की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। भागवत जी में सभी स्कंधों में थोड़ी बहुत गौ माता की चर्चा अवश्य हुई, महात्म से ही चर्चा प्रारंभ होगी। तो हम स्वयं कथा करते हो तो या अन्य अपने प्रांत में जाके अपने कथावाचकों को थोड़ी बहुत उनसे चर्चा करनी हो तो बस उनको दिशा निर्देश बल देने की आवश्यकता है। प्रथम सत्र में हमारे पीछे बैठे कह रहे थे कि कथा में खर्च होता है 3 लाख 4 लाख। पूरे देश भर में जो कथाएं हो रही है श्रीमद् भागवत जी की और रामचरित मानस की, और शायद ही ऐसा कोई कथा बनता होगा जो गो महिमा को कहने से बचे। यदि हम उनको थोड़ी सी भी सामग्री या दिशा या निवेदन उनको हम प्रदान कर दें तो अलग से और खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं कथाओं में ही पर्याप्त जितना हम चाह रहे हैं वैसे गो महिमा का वर्णन हम कर सकते हैं। तो भागवत जी में महात्म्य से ही गो महिमा हम प्रारंभ कर सकते हैं। गोकर्ण जी और धुंधकारी एक ही माता पिता के घर पले बढ़े,
यद्यपि रक्त संबंध से देखें तो दोनों ही आपके देव के पुत्र नहीं है। अब एक उनकी पत्नी की बहन का पुत्र है और दूसरे ने गाय के पंच से जन्म लिया। अब महात्मा जी ने जो कह दिया था सन्यासी जी ने कि संत जन्मावधि का पुत्र नहीं बचे नहीं बचे, तो उसका भी पालन हुआ देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से आत्मदेव का पुत्र नहीं हुआ। लेकिन आत्मदेव ने कहा कि सन्यासी तो सर्वसमर्थ होता है, आप चाहे तो पुत्र दे सकते हैं, तो उनको पुत्र दिया भी फल के रूप में। उस फल को उनकी पत्नी ने ढूंढने नहीं खाई, बहुत से कुतर्क किए और सखी के कहने पर गाय को खिला दिया और पति से झूठ बोल दिया कि मैंने खा लिया। अब इस फल का फल तो छिपने वाला था नहीं, तो इसलिए पति से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया और बहन का पुत्र हुआ। 6 महीने में ही उसका पुत्र हुआ। उनका भी फल खिलाने के, गाय को फल खिलाने के 6 महीने बाद ही उसका जन्म हो गया। पति ने पूछा भी कि केवल 6 महीने में पुत्र का जन्म कैसे हो सकता है, तो वो कहने लगे अरे जो 7 जन्मों तक हमारे बाद में नहीं था फिर भी बेटा दे सकते हैं, तो 9 महीना को 6 महीना नहीं बना सकते। तो बहुत छल प्रपंच किया, इतने कुतर्क किए हैं कि फल खाऊंगी तो उधर वृद्धि होगी, सुंदरता में कमी होगी, अशक्त हो जाऊंगी, घर के काम नहीं कर पाऊंगी, देवाघाटी अयोध्या में गांव में अगर चोर डाकू आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, आग लग जाएगी तो भाग नहीं पाऊंगी, प्रसव में मर जाऊंगी, अब बच्चा हो भी जाए तो लालने पालने दुखम, इतने दुख दिन आए उसे पुत्र की। 4-5 श्लोकों में उसका वर्णन किया और फल को नहीं खाई, फल को नहीं खाई तो 9 महीने की पीड़ा से भागी और फिर जीवन भर की पीड़ा को मौल्य। कुपुत्रो दुखदायक है, धुंधकारी जैसा बेटा मिला और उसके कारण धुंधली को भी मरना पड़ा। आत्मदेव जी गोकर्ण के कारण कम से कम सद्गति को प्राप्त हुए, वन में गए तो एक ही वातावरण में एक ही माता पिता के द्वारा पालित पोषित दो पुत्रों के स्वभाव में इतना अंतर कैसे आया। गोकर्ण पंडितों के आगे धुंधकारी महाखल, एक बेटा महाज्ञानी हुआ दूसरा महाखल हुआ, क्योंकि गोकर्ण महाराज जी में गौ माता का अंश है या कृपा है। अब आजकल विज्ञान की दृष्टि से लोग पूछने लग जाएंगे कि गाय के पेट से कैसे मनुष्य का पुत्र हो सकता है, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन अपने शास्त्रों में कभी संदेह भी नहीं करना चाहिए। 3-4 ऋषि मुनियों की कथा है, केवल गोकर्ण की ही कथा नहीं है, और हो सकता है कि अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है, हो सकता है 10-20 साल 100-150 साल के बाद उस स्तर तक भी पहुंच जाए, तो उसमें कुतर्क या संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन यह भी प्रमाणित है कि जो बच्चा विशुद्ध भारतीय जो गौ है उसका दूध पिएगा जन्म से, यदि माता का दूध उसे प्राप्त नहीं हो रहा किसी कारण से, तो भी अगर वो भारतीय गाय का दूध पी रहा है और उस परिवेश में भारतीय गौ की छाया में वो उसका बचपन बीता है, तो निश्चित रूप से वो कुपुत्र नहीं हो सकता। तो गोकर्ण जी का पंडित होना, ज्ञानी होना, सुपुत्र होना, ये गौ माता की कृपा है। और ऐसा कौन सा गृहस्थ होगा जो सुपुत्र नहीं चाहता, और कुपुत्र की पीड़ा का अनुमान लगभग सभी गृहस्थियों को है, तो अपने पुत्र को कुपुत्र होने से बचाना है तो भारतीय गौ वंश ही एकमात्र उपाय है। इसलिए संस्कृत गौ माता समस्या नहीं है, समाधान है। आज हम पंडितों के पास कितने लोग आते हैं, बेटा बिगड़ गया है, नशे करने लग गया है, अपराध में चला गया है, लेकिन अगर वो शुरू से ही गौ माता का दूध पिलाए तो ये समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रसंग में गौ माता के महत्व को इसी तरह से हम लोग रखने का प्रयास करेंगे महात्मा में, गोकर्ण जी की कथा में, तो लोगों को भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रथम स्कंध में गौ माता की 2-3 स्तरों पर बहुत संक्षिप्त चर्चा है, 18वें 17वें अध्याय में विस्तार से चर्चा है पृथ्वी और धर्म संवाद के रूप में, लेकिन प्रारंभ में सुखदेव जी के विषय में वर्णन आया कि आप किसी के घर में उतने ही देर तक रुकते हैं जितना समय एक गाय को दूध देने लगता है। तो ये सन्यासी एक प्रकार से कितने निर्मोही भी होते हैं या उनके लिए कितना कठिन धर्म है,
सन्यासी को किसी से प्रेम ना हो जाए या किसी गृहस्थी को सन्यासी से प्रेम ना हो जाए, आसक्ति ना हो जाए, कम से कम समय तक रुकना है। और इसके लिए उन्होंने गौ माता के दोहने में जितना समय लगता है उतने ही समय वो रहते हैं, इसका वर्णन आया। महात्मा में जब हम भागवत को सुनते हैं तो कुछ नियम बना के सुनते हैं, कुछ नियमों को धारण करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो एक नियम में आया कि व्रती को गौ की निंदा नहीं करनी चाहिए, गौ की निंदा होती है तो व्रत भंग हो जाएगा। अब इतने परिश्रम करेंगे, इतना ध्यान लगाएंगे, भागवत सुनेंगे, वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गुरु प्रतिगम तथा गो प्रतिगम तथा, इतने की निंदा नहीं होनी चाहिए। स्त्री निंदा भी है, गो निंदा भी है, वेद निंदा भी है, इसमें गो निंदा को भी स्थान दिया गया है। तो गौ माता की निंदा अगर हम करते हैं तो व्रत भंग हो जाएगा। तो भागवत श्रवण का जो फल हमको मिलना है वो पूरे पूरा पूरा नहीं मिल पाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो गौ माता की निंदा ना हो इसका भी हम जो होता है उनको बताएं कि आपको 7 दिन 9 दिन तक, अब ये केवल 7 दिन 9 दिन के लिए नहीं है, 7 दिन 9 दिन का अगर आपका अभ्यास हो गया तो इसको और भी जीवन भर आप व्रत के रूप में अपना लीजिए, आप गौव्रती हो जाइए इस मामले में, तो आगे भी वो बढ़े। भागवत के बाद निंदा कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते, तो बाद में भी नहीं करनी है, लेकिन उस समय तो विशेष रूप से नहीं करनी। और गौ दान का भी महत्व है, विधान में भी लिखा है भागवत जी के महात्म्य की कथा पूर्ण हो जाने के बाद गौ दान करें। हमारे सभी 16 संस्कारों में और यज्ञों में गौ दान का विधान है, पुत्र जन्म हो तब भी और मृत्यु हो तब भी गौ दान का विधान है। अब गौ माता रहेगी, अब हम पंडितों का एक कर्तव्य है कि चांदी की गाय सोने की गाय संक्षिप्त रूप से ठीक है, अब शहरों में करना पड़ रहा है, लेकिन उनको आग्रह करें कि नहीं आप प्रत्यक्ष गौ माता लाइए। तो इसी बहाने कम से कम वो गौ माता की कुछ सेवा भी करेंगे, संरक्षण भी करेंगे और लाएंगे भी। नहीं तो यदि हम ही कह देंगे कि चांदी की छोटी सी गाय ले आओ, तर्पण भी हो जाएगा, दान का भी संकल्प हो जाएगा, तो वो फिर धीरे धीरे 10-20 वर्षों में तो फिर ऐसे ही होने लग जाएगा, फिर गौ माता की आवश्यकता का भी अनुभव ही नहीं करेंगे लोग। तो गौ दान का भी महत्व है। अब गौ दान को जितना हम जोड़ रहे हैं उससे ज्यादा अब गौ के लिए दान को अधिक जोड़ रहे हैं। गौ दान तो एक प्रकार से लोग तो वैसे भी पलायन करने के तैयार बैठे हैं गौ सेवा से, और एक दो गाय घर में बची भी है तो उसको भी गौ दान कहेंगे तो जल्दी से किसी पंडित को या गौशाला को दे देंगे। तो नहीं, गौ सेवा करो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या गौ के लिए दान करो या गौ सेवा करो, ये ज्यादा अधिक श्रेष्ठ होगा, बशर्ते कि कोई गौ का हम दान कर दें। गौ दान की बजाय अब गौ के लिए दान या गौ सेवा, इस पर अधिक जोर दें। भागवत जी के फिर और आगे प्रथम स्कंध में जो चर्चा हुई है, युधिष्ठिर जी भीमसेन से चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन जी द्वारिका गए हुए थे, और उस समय टेलीफोन तो था नहीं कि कोई समाचार मिल जाए। अर्जुन जी बहुत दिनों से द्वारिका गए हैं, वापस आए नहीं हैं, तो युधिष्ठिर जी को कुछ अपशकुन होने लगा। भागवत जी में यहाँ पर अगर अशुभ संकेत है उनका बहुत विस्तार से वर्णन है। युधिष्ठिर जी जो चर्चा करते हैं कि मतलब कौन कौन से संकेत हमारे जीवन में अशुभ संकेत के रूप में आते हैं, उनको हम संभाल सकें तो भविष्य में आने वाले संकट का पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। पूरा एक प्रकरण है, उन्होंने एक दो बातें नहीं की, पूरा एक सकुन शास्त्र सकुन साहस ने ऐसा वहां पे प्रकट कर दिया है। तो उन्होंने लेकिन जो विषय में जो कहा है, गौ माता के विषय में भी चर्चा करने बैठे हैं, उन्होंने कहा गौ माता मुझे बाएं करके चलने लगी है। यदि हम रास्ते से जा रहे हैं यदि गौ कैसे, तो हमको तो हमारा कर्तव्य है गौ माता हमारे लिए पूजनीय हैं, माता हैं, तो हम उनको अपने दाहिने करके चलें। पूजनीय हो, ब्राह्मण हो, संत हो, बड़े हो, माता पिता हो, तो हम उनको अपनी दाहिनी ओर करके चलें, उनकी बाईं ओर चलें। लेकिन गौ माता का एक सहज स्वभाव है, यदि पुण्यात्मा व्यक्ति होगा तो उसको अपने दाहिने ओर करके चलती है। और किसी कारण से यदि कोई
कोई हर बार ये गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि पापी व्यक्ति किसी के बाएं करके चल दी तो पापी है। यदि उसके जीवन में कुछ अशुभ घटने वाला हो तब भी संकेत करने के लिए गौ माता उसको अपने बाएं पर करके चलती है, इसका उल्लेख भागवत जी ने युधिष्ठिर जी ने किया है। और अशुभ संकेतों में फिर उन्होंने कहा कि न पिबंति स्तनम वत्सा, बछड़े आजकल दूध नहीं पी रहे हैं, और गौ माता न दुहयंती च मात्रा है, और गौ माता दूध दोहने भी नहीं दे रही है ठीक से, उछल कूद कर रही है और जो है, लेकिन बछड़े भी दूध नहीं पी रहे हैं और उनके आंखों से आंसू भी बह रहा है। गौ माता आवश्यकता ना हो तो बोलती भी नहीं, प्रायः गौशालाओं में हम लोगों का अनुभव है, अगर गौ माता कुछ आवाज करे बोले तो पूज्य स्वरूपानंद जी हमारे यहाँ बहुत उठते थे, बनारस से पहुंचे थे जेवरा सिरसा, ऊपर कमरे में निवास कर रहे थे, अचानक एक बछिया आवाज करने लगी दो तीन बार, मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा गौ माता बिना कारण के नहीं बोलती है, चलो वहां चलते हैं, और इतने थके हुए थे नित्य दिया भी नहीं हुई थी लेकिन मुझको साथ में ले गए, तो रस्सी कुछ फंस गया था अलग तुरंत, तो वैसे ही कभी भी अकारण वो आवाज नहीं करती, या तो गर्म हो उस समय या फिर और कोई समस्या हो करके, तो गौ माता रो रही है ये युधिष्ठिर जी ने वर्णन किया कि आंसू बह रहा है और बछड़ों को बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, गौ माता दूध नहीं पी रहे हैं, ये अशुभ संकेत है। ऐसे ही और 25-30-40 संकेत होने के आए हैं, मूर्तियों के भी आंख से आंसू बह रहा है या पसीना आ रहा है या कुत्ते आकाश की ओर करके रो रहे हैं, ऐसे बहुत संकेत है वहां पर, लेकिन गौ माता के विषय में ये दो संकेत वहां पर आया है। इसके बाद पृथ्वी जब भी संकट में आती है सीधे गाय का रूप बनाती है, और चाहे ब्रह्मा जी के पास जाके अपना दुबड़ा रोना हो तब भी, और या धर्म के साथ संवाद है तब भी पृथ्वी गाय का रूप बनाती है, और धर्म जो है वृष का बैल का, धर्म के चार चरण भागवत जी में तीन स्थलों पर चार चरण का वर्णन है, और तीनों में एक एक चरण में भिन्नता है, अलग अलग व्यक्तियों ने चार चरण का वर्णन किया तो उसके विचार से जो चार चरण लगे उन्होंने बताया, फिर किसी अन्य प्रकरण में किसी और व्यक्ति ने वर्णन किया तो उन्होंने बताया, तो तीन जगह चार चरण का वर्णन है, तीनों में एक एक चरण का अंतर है, कहीं पर सत्य है कहीं नहीं है, कहीं दान है कहीं नहीं है, कहीं ऐसे करके, तो 12वें स्कंध में भी है अंतिम अध्याय में चार चरण का वर्णन, अधर्म में भी चार चरण है 12वें स्कंध में, अगर बताया है धर्म के चार चरण तो तीन स्थलों पर है, तो धर्म और पृथ्वी का संवाद, दोनों अपना दुख नहीं व्यक्त करते, एक दूसरे के दुख की चर्चा करते हैं, पृथ्वी धर्म के दुख की चर्चा करते हैं और धर्म पृथ्वी के दुख की चर्चा करता है, तो दोनों दुखी हैं, कितना अच्छा संकेत है कि हम दुखी हों। ऐसा ही एक प्रसंग है, दशम स्कंध में जब नंदबाबा जी और वसुदेव जी मिले, एक मित्र के पास सुखद समाचार है एक के पास दुखद है, वसुदेव जी का जेल से भी छूटना हुआ, कई पुत्र मारे गए, दुखद समाचार है, नंदबाबा को लगता है मेरे घर बेटा हुआ ये सुखद समाचार है, तो सुखी मित्र ने अपने सुख की चर्चा दुखी मित्र के सामने नहीं की, बहुत दुखी बेचारा अपने सुख की चर्चा में बाद में कर लूंगा, लेकिन दुखी मित्र कहता है कि ये सुखी है अपने दुख की चर्चा करके इसके रंग में मैं भाग नहीं डालूंगा, तो दोनों जो दुखी है वो मित्र के सुख की चर्चा करते हैं और सुखी मित्र मित्र के दुख की चर्चा करते हैं, ये मित्र धर्म है, व्यवहार में भी हमको इसकी शिक्षा समाज में देनी चाहिए। पृथ्वी और धर्म समाज इसको भी विस्तार से वर्णन करना चाहिए, और इस प्रसंग में भी गौ माता की महिमा का वर्णन करना चाहिए, पृथ्वी गाय का रूप बनाती है, दोनों में क्षमाशीलता के मामले में बहुत समानता है, इसलिए भी पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है, अनंत उपकारी है दोनों, और बदले में कोई बहुत अपेक्षा भी नहीं रखते,
स्वभाव में समानता है, पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती है। यहाँ पर धर्म से चर्चा हुई है, परीक्षित भी आए और कलयुग का दमन किया, धर्म की पुनः उन्होंने स्थापना की। द्वितीय स्कंद में कोई विशेष चर्चा इसमें नहीं हुई। तृतीय स्कंद में भगवान जी के बाल लीला का जो वर्णन किया है उद्धव जी और विदुर जी के मध्य में, उसमें उनकी गौचारण आदि का आदि की चर्चा हुई है। चतुर्थ स्कंद में एक श्लोक आया, पाल पशु निव विभु प्रगृहित दंडा। जिस प्रकार एक चरवाहा डंडा लेकर गायों की रक्षा करता है, गायों को मारने के लिए वो डंडा नहीं रखता, बस दिशा निर्देश के लिए और अन्य पशुओं से बचाने के लिए, उसी प्रकार है प्रभु आप विश्व की रक्षा करते हैं या ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, आप चरवाहा के समान। इसकी एक चर्चा तीसरे स्कंद में हुई है, चौथे स्कंद में, कि पाल पशु निव विभो प्रगृहित दंड है, 4, 7, 14 में ये चर्चा हुई है। तीसरे स्कंद में जो मानस में है, जो हमारे गुरुजी महाराज जी ने बताया अवतार, तो इसी का द्विज गोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेद ही, ये आ गया बिल्कुल उसका पद्यानुवाद, भागवत जी का पद्यानुवाद गोस्वामी जी ने 3-2-27 में आया है। तो भगवान जी अवतार लेते हैं तो अवतार का हेतु उद्देश्य कारण संतों की रक्षा है, उसके साथ ही वो विप्र इसमें जो आया है, गाय की रक्षा, संतों की रक्षा, ये उनका उनके अवतार का जो प्रमुख उद्देश्य होता है। तो मानस का भी यहाँ पर ले सकते हैं, विप्र हेतु संत ही का लीन मनोज अवतार, उसी को यहाँ पर संपूर्ण श्लोक में कहा गया है। तीसरे श्लोक में चौथे स्कंद में पृथ्वी फिर गाय का रूप बनाती है, जब पृथ्वी जी महाराज दोहन करेंगे तो फिर गाय के रूप में आ गए, और वहां पर पृथ्वी जिन्हें गाय के रूप में केवल दूध नहीं दिया, सब कुछ दिया है। गंधर्वों को तो गाय वाला की विद्या दे दी, देवताओं को अमृत दे दिया, और जिनको जो भी चाहिए था ऋषि मुनियों को अलग, मनुष्यों को सामान्य जो मनुष्य है उनको अलग, गंधर्वों को अलग, सिद्धों को अलग, तो सबको संतुष्ट करने वाली गौ माता है पृथ्वी, गाय का रूप बना करके वहाँ संतुष्ट करती है सबको, और फिर दो जी यज्ञ करते हैं, यहाँ पर भी हम गौ महिमा को प्रकट कर सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पर भी गौ माता की चर्चा है भागवत जी ने, उसको थोड़ा सा संकेत करते जा रहे हैं, तो हम भागवत की कथा करते हैं तो वहाँ इन स्थलों में हम गौ माता की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। तो अलग से ठूसा हुआ भी नहीं लगेगा, विषय से हट के नहीं लगेगा, और सहजता से गौ कथा भी हो जाएगी। ऐसे ही एक वर्णन आया कि इलावर्क में दूध का सरोवर है, 5वें स्कंद में आया वर्णन। 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान में प्रायश्चित विधान सुखदेव जी महाराज 335 अध्यायों में जो भी कथा सुनाते हैं, प्रायः परीक्षित जी बड़ी विनम्रता पूर्वक हाँ महाराज आपने बहुत अच्छा कहा ऐसा ही कहते हैं, लेकिन जब अजामिल के पूर्व प्रारंभ में उसी अध्याय में सुखदेव जी ने उसे पूछा गया कि नरक से बचने का उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा प्रायश्चित कर लो मरने से पहले तो नरक जाना नहीं पड़ेगा। अब अगर प्रायश्चित इस प्रसंग में हम गौ महिमा को कैसे वर्णन करें, इसको भी बहुत विस्तार से लेना चाहिए कथाओं में। प्रायश्चित विधान अगर हम पढ़ें मनोस्मृति में तो बहुत कठोर है, नरक में दी जाने वाली यातनाओं से कम नहीं है ऐसे विधान। कोई मदिरा पान कर ले, शराब पी ले, प्रायश्चित करना चाहे तो पिघला हुआ शीशा या पिघला हुआ लोहा तब तक पीता रहे जब तक मृत्यु ना हो जाए, तो कौन प्रायश्चित करेगा इसे। किसी से व्यभिचार का पाप हो जाए तो आदम कद लोहे की प्रतिमा बनाए, उसको लाल होने तक गर्म करें, फिर उसको जमीन में लिटा के उसके ऊपर लेट जाए, तब तक लेटा रहे जब तक मृत्यु ना हो जाए, ये तो बड़े पापों के प्रायश्चित है। साधारण कोई व्यक्ति लहसुन प्याज नहीं पाता, नहीं खाता, अब कहीं धोखे से खा ले तो 40 दिन का उसको व्रत करना चाहिए,
तब जाके उसका वो पाप मिटेगा, वो जो चुप हो गई है। तो प्रायश्चित विधान को इस प्रकार देखेंगे, चंद्रायण व्रत करें, बहुत कठोर व्रत है वो, अभी कठिन व्रत है, कई लोग करते हैं। एक व्यक्ति आया कुछ दिन पहले, उसको बड़ा सुन कहा 12 बार कर चुका हूँ चंद्रायण, 12 बार चंद्रायण व्रत कर चुका हूँ बताया उसे। पति पत्नी जो बड़ा सर कठिन व्रत है, फिर भी चलो आपकी निष्ठा है आप कर रहे हैं। तो प्रायश्चित विधान बहुत कठोर है, कठिन है, तो पापों से गए नरक से कैसे बचेंगे फिर? तो सुखदेव जी ने कहा प्रायश्चित नहीं कर सकते तो पाप ही मत करो, तो नरक जाना नहीं पड़ेगा, ये भी हो ही जाता है, पाप भी बचना कठिन है। तब उन्होंने नाम संकीर्तन का उपाय बताया कि वचित मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशकम तत्वदागयैः नते यमं पाश भृतस्य तद्भटां स्वप्ने पश्यन्ति हि चिरं निस्मृता। जो भगवान का नाम जपते हैं उनको स्वप्न में भी जब कुछ दिखाई नहीं देते, नरक जाना तो बहुत दूर की बात। तो इतना सरल उपाय जब है तो ऊपर इतने कठिन कठिन उपाय क्यों बताए जा रहे थे? तो इसलिए इस प्रकरण में परीक्षित जी विनम्रता पूर्वक दो तीन बार कहते नहीं महाराज थोड़ा और सरल कोई उपाय हो तो बताओ ना, प्रायश्चित उपाय हो जाए तो थोड़ा और सरल होगा, पापों से बचोगा, इससे भी सरल कोई उपाय हो तब नाम कर रहा है। लेकिन जहाँ पर गौ माता प्रायश्चित में इतना कठोर विधान है, जिस घर में गौ माता प्रसन्न होकर सांस लेती है, आपने बताया था इसको कि जिस घर में प्रसन्न होकर गौ माता सांस लेती है उस घर में निवास करने वाले सभी लोगों के पाप गौ माता अपने श्वास में ही भस्म कर देती है। तो ये तो कथन के रूप में आपसे ही सुना था, बाद में खोजते खोजते मुझे ये महाभारत में मिला, श्लोक मिला। महाभारत का श्लोक है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुञ्चति निर्भयम्। निर्भय होकर जिनके घर में गौ माता सांस लेती है, विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। वो तो तम देशम कहा, मतलब वो पूरा क्षेत्र उस घर की ही नहीं, जिस घर में बलिया देश का भी आप उस घर की सीमा ले लें, तो जिसके घरों में गौ माता प्रसन्न होकर निर्भय होकर सांस लेती है उनको प्रायश्चित विधान की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में स्वयं व्यास ही लिख रहे हैं, किसी अन्य का लिखा हुआ नहीं, तो शास्त्री कौन है? महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 51 श्लोक 32। तो हम ऐसे कोई प्रमाण बताए मंच से तो संदर्भ ही बता देते हैं तो प्रमाणिकता और बढ़ जाती है कि महाभारत में इस ग्रंथ में है, यहाँ पर है। तो प्रायश्चित विधान का जहां पर वर्णन आता है वहां पर गौ महिमा का हम अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। अब इससे सरल प्रायश्चित और क्या हो सकता है कि हम गौ माता की सेवा करें। गौ माता प्रसन्न होकर सांस ले उसकी हम सेवा करें, गौशाला में व्यवस्था अच्छी हो, मक्खी से मच्छर से बचाव हो, नीचे दलदल ना हो, तब वो सुखी हो कि सांस लेगी, भोजन पर्याप्त मिले और कोई भय ना हो, तो बस इतना ही कर देना है तो कठोर प्रायश्चित विधान से बच जाएंगे। प्रायश्चित विधान में हमारे गुरुजी राजेश कथा कहते थे, तो वो कहते थे कि किसी के चरित्र पर संदेह हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? मान लो वो व्यक्ति सच्चा है, हमने संदेह मिथ्या संदेह किया किसी पर, पाप निवारण हो गया, तो कहते थे ये मनसा पाप हो जाए इसका प्रायश्चित क्या है? तो कहते थे मनसा पाप यदि काटना है तो काम वो इतना कर जाए पीपल की सूखी लकड़ी मंगा चिता बनाकर जल जाए। किसी के चरित्र पर एक बार भी अगर हमने संदेह कर लिया, मिथ्या संदेह कर लिया, बाद में उसका निवारण हो जाए तो पीपल की सूखी लकड़ी मंगा करके चिता बनाकर जल जाना चाहिए। तो कठोर प्रायश्चित विधान बहुत कठोर है, संभव नहीं है। अगर अच्छे विस्तार से अगर मन से प्रायश्चित विधान की कथा होने लगे, चर्चा होने लगे, तो लोग कहेंगे कि नरक में ही जो कुटाई होगी वो भी सह लेंगे, लेकिन ये तो एक नरक से कम नहीं है, संभव नहीं है। तो बहुत प्रामाणिक रूप से शास्त्रीय रूप से शास्त्रों का ही प्रमाण देते हुए गौ माता की सेवा से बढ़ के प्रायश्चित नहीं है। और सर्व देवमयी है, सर्व तीर्थमयी है,
अब उनकी सेवा करेंगे तो फिर पाप बचेगा कहाँ। सर्वतीर्थ में ही भी है उनके खुद का जो ब्रज लगा रहे हैं, इसीलिए पुण्य क्यों मिल रहा है, सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी तीर्थों का वहां पर वास है। अलग अलग तीर्थों में जा पाना संभव नहीं है, लेकिन खुद का मिट्टी लगा करके आप पूजा करते हैं तो समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल गया, इसलिए भी पाप मिट गए, इसलिए भी कार्य कर रहे हैं। तो अलग देवताओं को संतुष्ट करना, पितरों को संतुष्ट करना, ग्रहों को संतुष्ट करना, अगर इस सिद्धांत में जाएंगे तो जैसे कल चर्चा हो रही थी ना, शायद आपने कहा था ज्योतिष, आपने कहा था ज्योतिष पर, तो हमारे गुरु जी प्रतिदिन कुंडली बनाने बैठते थे और उनसे मिलने के लिए 150 लोग प्रतिदिन आते थे। वो अनुष्ठान का विधि बताया, जैसे कुंडली बनाते थे किसी कन्या का ब्याह नहीं हो रहा, गुरु दोष है तो कह रहे थे गुरुवार को गुड़ और चना गाय को खिला दे, और दो या तीन गुरुवार बीतते बीतते उसका ब्याह तय हो जाता। मैंने भी उनसे सीखा, एक बार एक महिला कुछ प्रश्न पूछने आई, तो उस समय मैं प्रश्न उनसे सुनता नहीं था, तो आगे बैठे हैं पंजाब में फूल चढ़ाए, तो पंजाब से प्रश्न बना करके उसको क्या समस्या है ये बिना पूछे मैं बता, ये प्रश्न लेकर आए। तो 10 में से 8 में लगभग सही होता था, 2 में चूकता था अपनी हड़बड़ी के कारण, कहीं जाने की हड़बड़ी हो तो ठीक गहराई से नहीं देख पाते थे, तो अपनी कमी रहती है। ज्योतिष शास्त्र पर्याप्त है, पूर्ण है, प्रत्यक्ष है, कमी है तो वो हमें। तो एक महिला आई कुछ पूछने, तो मैंने देखा तो मंगल ग्रह 5वें भाव में बैठा था प्रश्न करने के, मैंने देखा ये विवाहित है तो संतान संबंधी कष्ट होगा, मैंने कहा संतान संबंधी कोई कष्ट लेके आए हैं, का चार बार मैंने बच्चे हुए लेकिन चारों जीवित नहीं है, 2 तो गर्भ में ही असमय और 2 के जन्म के बाद मृत्यु हुई, एक भी संतान जीवित नहीं है, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा मंगल रहेगा, जाप पाठ करवा लेना अपने को रोहित से, या यहाँ पाठ करवा दे, कहा आपको नारियल अगरबत्ती चढ़ाने के लिए भी मैं कहीं से प्रबंध करके आई हूँ, अनुष्ठान तो हो ही नहीं सकता, और सास ससुर पति भी मुझ में ही बहुत बताते हैं, खर्चा नहीं करेंगे, कोई और उपाय है बताओ। मैंने पूछा घर में गाय है, कहा है, मंगलवार को पूरा मसूर दाल खिला देना एक एक कुट्टी, हमारे रोज का ये उपाय था, उसने 3-4 मंगल खिलाया, कुछ दिन बाद गर्भवती हुई, उसकी 3 बच्चे अभी जीवित हैं, केवल गुड़ और मसूर दाल। ऐसे ही कम से कम 20-25 उदाहरण मंगल दोष का साफ करने का लोगों का है, ऐसे ही। तो इस पर एक अलग से कभी ज्योतिष पर ही कभी चर्चा होगी, तो करके भी भागवत की चर्चा हो रही है, तो गौ महिमा भागवत जी में प्रायश्चित विधान में इसको अच्छे विस्तार से लेना चाहिए, जो भी कथा कह रहे हैं जितने भी लोग, कि अजामिल के प्रसंग में जब प्रायश्चित विधान आए नरक से कैसे बचे, या गरुड़ पुराण की कथा कहते समय भी जब नरक वर्णन आए और उससे बचने के उपाय बताए, तो गौ सेवा को ही हम सर्वोपरि रखें, और केवल किसी स्वार्थवश नहीं, शास्त्रीय रूप से है, वर्णित है, प्रमाणित है, इसलिए कह रहे हैं। अजामिल के प्रसंग में गौ महिमा भी बहुत अच्छी तरह से हम रख सकते हैं, जिसे अंतर भी नहीं होगा। 7वें स्कंद में, अब 6वें स्कंद में ही राजेंद्र दक्ष के यहाँ सुरभि नाम की कन्या, और उससे वो भी तो प्रसंग में है ही। उसके बाद 8वें स्कंद में, 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु, जब तप कर लिया साधे पे तपा कर दान फिर उसने अब पृथ्वी पाताल स्वर्ग को जीतने के बाद उसने तो वैकुंठ में भी आक्रमण किया था। 8वें स्कंद में इसकी चर्चा होती है, भगवान वामन बलि से कहते हैं कि तुम्हारे प्रापितामह ने तो वैकुंठ में भी आक्रमण कर दिया था, और उस समय मैं उनको मारना नहीं चाहता था ब्रह्मा जी के वरदान के कारण, तो वहां से कहीं चले जाना वही उचित समझा, तो छिपने को जगह नहीं इस सृष्टि में तुम्हारे प्रापितामह के कारण, तो मैं स्थान नहीं ढूंढ पाया, तो उसके हृदय में जाके छिप गया, वो बहिर्मुख था, बाहर ही बाहर ढूंढता था, और फिर मैं उसके हृदय में रहा, जब वो देखा मुझे नहीं पाया लौट गया, तो मैं पुनः वैकुंठ में समाप्त हो गया। इसी चर्चा भगवान वामन ने पहले से स्वयं कही है 8वें स्कंद में। तो हिरण्यकश्यप
स्वयं अपने आप को ही भगवान कहना शुरू किया। भगवान शब्द ऐश्वर्यवाची है, कई बार हम लोग को लगता है कृष्ण ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है। अभी लॉकडाउन में मैंने प्रयास किया तो लगभग 58 लोगों को भगवान कहा गया है भागवत जी ने, मैत्रेय जी को भी भगवान कहा गया है, वशिष्ठ जी को भगवान कहा गया है, सुखदेव जी को भगवान कहा गया है, आप पहले से मनोह गौतम वशिष्ठ को भगवान भी है। तो ऐसे भगवान शिव कई बार आया है, व्यास जी के लिए आया है, तो ये ऐश्वर्यवाची है। तो हिरण्यकश्यप जब अपने असुरों की सत्ता स्थापित करना चाहता था तो वहां पर उसने अपने सैनिकों से जो कहा है, या सैनिकों ने हिरण्यकश्यप से कहा कि सनातन धर्म के जो आधार स्तंभ हैं ब्राह्मण और गाय, इन दोनों को हम मिटा देते हैं तो हमारी सत्ता दीर्घ काल तक चलेगी, स्थिर रहेगी। तो जब जब आसुरी सत्ता स्थापित होगी तब तक गो और ब्राह्मण संतों पर अत्याचार किया जाएगा, ये टारगेट में रहते हैं। और जब जब दैवी शक्तियों की सत्ता होगी तो ये खूब पुष्पित पल्लवित होंगे। तो दैवी संपत्ति बढ़े, हम सबके भीतर भी आज गीता जी के इतने बड़े विद्वान का ये सत्र हुआ, गीता में दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो हम सबके भीतर भी दैवी संपत्ति बढ़े और इसमें भी गौ माता बहुत बड़ी सहायता कर सकती है। हम गौ सेवा करें तो निश्चित रूप से दैवी संपत्ति ही बढ़ेगी, दैवी शक्तियां ही सात्विक शक्तियां ही हमारी बढ़ेंगी और आसुरी शक्तियां हमें जो विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं वो घटने लगेंगे। गौ सेवा का मैंने प्रत्यक्ष एक अनुभव देखा, गायत्री जप में विधि निष्ठा भाग पुरस्करण लगभग पूर्णता की ओर है और भागवत जी ने तो निष्ठा ही है, चर्चा में अध्ययन में लगे रहते हैं, पाठ में स्वाध्याय में लगे रहते हैं, तुलसी में भी 108 पौधे अपने बगीचे में लगभग रखते हैं, नित्य गौ सेवा भी हो रही है, नाम जब भी था स्वभाव। लेकिन पहले तो एकदम कठोरता से इतने इंतजार से पास आना नहीं है, राम भी अपना है कितना है, गौ धाम भी होना चाहिए। लेकिन जब से गौ सेवा विशेष रूप से पिछले 4-5 वर्षों में इसमें रद्द हुए हैं तो गायत्री जब से पाठ से अन्य साधना से जो ऊर्जा बनती है इसको तेल कहते हैं, यदि वो नियमित ना हो तो क्षीण होने लगता है, खर्च होने लगता है। तेल को कमाना सरल है, उसको बनाए रखना धारण किए रखना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कई पुरस्कार किए हुए लोग कुछ दिन बाद एकदम सामान्य हो जाते हैं, ये मुझे भी ऐसे दिखते हैं। लेकिन गौ माता की सेवा करते हुए मुझे ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि ऊर्जा का जो स्तर है वो घटता नहीं है। यदि उस दिन पाठ भी ना करें पूजा भी ना करें तो भी गौ सेवा करते हैं तो सबकी पूर्ति हो जाती है। लगभग 12 कृत्य हैं, उसमें एक गौ सेवा भी है, तुलसी की सेवा भी है, एकादशी का व्रत है, नाम जप है, पाठ आदि है, इनमें से कोई एक कार्य भी हो जाए तो शेष की पूर्ति हो जाती है। तुलसी की सेवा हो गई तो भी पूजा पाठ हो गया, गौ माता की सेवा हो गई तो उस दिन का काम हो गया। ऐसा भी किसी दिन मैंने पूजा भी छूट जाए कई बात नहीं, पर गौ सेवा नहीं छूटनी चाहिए, अपने आप में ये पूर्ण साधन है। इसका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, धीरे धीरे उसी को बढ़ाने का प्रयास है, बाकी और साधन भले ही कम हो जाए पर गौ सेवा बढ़े। तो सातवें स्तंभ में हिरण्यकश्यप और उसके जो सेवक हैं वो संकेत करते हैं कि वे ब्राह्मण और गाय इन पर आक्रमण किया जाए। ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो वेद पाठ भी नहीं होगा, यज्ञ भी नहीं होगा, और गौ माता नहीं रहेगी तो भी यज्ञ के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, घृत आदि उपलब्ध नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे, तो उन पर आक्रमण किया गया। तो उन पर आक्रमण किया गया। आठवें स्कंद में तो गौ महिमा है, समुद्र मंथन से वो प्रकट हुई है, कामधेनु जी, फिर उनकी 5 बच्चियां, फिर उनको अलग अलग लोगों को दिया गया, फिर उनसे वंश का विस्तार हुआ। समुद्र मंथन में भी हम कामधेनु की जो उत्पत्ति का जो प्रकरण है उसको अच्छे विस्तार से कथा में प्रस्तुत करेंगे। समुद्र मंथन लगभग 8 पुराणों में इसकी चर्चा हुई है और 9 और वाल्मीकि रामायण में भी है,
महाभारत में भी है, कुछ उपपुराणों में भी, लेकिन 14 रत्न जो मिले हैं उनके नाम में अंतर है, कहीं कहीं कुछ कुछ अंतर आ जाता है। तो लेकिन अब कामधेनु तो सब जगह है अनिवार्य रूप से, और कामधेनु की उत्पत्ति, उसकी महिमा और हर प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली, तो समुद्र मंथन से जो एक कामधेनु गाय प्रकट हुई, वे ही हमारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने में समर्था है, ऐसा भी नहीं है। वो तो है ही, लेकिन उनके अंश स्वरूप जितनी भी गौ माताएं हैं, ईमानदारी से हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारा हर मनोरथ पूर्ण होगा, यह भी पूरा सार्वजनिक रूप से प्रमाणित है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए, गौ माता की सेवा करने वालों को कोई अभाव नहीं होता, उनके जीवन में जो भी वास्तविक आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति तो अवश्य होगी। तो गौ माता की महिमा वहां पर भी समुद्र के प्रकरण में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। और 8वें स्कंद में ही भगवान वामन का प्राकट्य भी हुआ है, तो वो भी गौ माता के कारण हुआ है। माता पादिति पयोव्रत नहीं करती, तो भगवान वामन कैसे प्रकट होते? पयोव्रत गौ माता का दूध पी करके, गौ पूजन करके व्रत करना है, 12 दिन का ही ये उपवास है। दिति और अदिति दोनों कश्यप जी की पत्नी है, दोनों ने पुत्र पाने के लिए कश्यप जी से व्रत के विषय में पूछा। अदिति का चित्त मलिन था, थोड़ी कुटिलता थी, तो उसको कठिन व्रत बताया, एक वर्ष पर्यंत चलने वाला व्रत बताया, मुनसवन व्रत। और अदिति क्योंकि पवित्र भाव से थी, किसी का अहित नहीं चाहती थी, इसलिए उनको सरल व्रत बताया, पयोव्रत। पयोव्रत के प्रसंग में भी हम गौ माता की महिमा को बोल सकते हैं। भगवान वामन का अवतार भी गौ माता की कृपा है, गौ माता के दूध पी करके व्रत किया, उद्यापन भी कराए हैं, तो गौ माता के दूध से बने हुए खीर से, और फिर उसी को प्रसाद रूप में पाए हैं। भगवान राम का भी प्राकट होगा 9वें स्कंद में, तो वह भी खीर के कारण ही, और खीर भी गौ माता के बिना, दूध के बिना संभव नहीं है। तो अवतार में भी गौ माता उनकी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भगवान वामन के भी प्राकट्य की कथा जब हम कहेंगे, तो वहां भी गौ माता की महिमा को हम व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन और भगवान वामन दोनों की कथा में गौ माता की महिमा को हम एक मजबूती से हम वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। नौवें स्कंद में दो लोगों से गौ सेवा में चूक हुई, देखा जाए तो प्रशस्त जी और राजा दिख से गौ सेवा में करी, दान में चूक हुई, और उनको उसका फल अच्छा तो नहीं मिला। प्रशस्त को तो बाद में फिर प्रायश्चित स्वरूप जीवन जीना पड़ा, बाद में उनकी मुक्ति हुई। तो गौ सेवा में लगे हुए हम जो लोग हैं, हमसे भी असावधानी ना हो, चूक ना हो, इसके प्रति भी हमको सजग रहना है, और समाज को भी इस विषय में सचेत करना है कि गौ सेवा कर रहे हैं तो सजग रहें, सचेत रहें। गौ सेवा से संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती है, तो गौ सेवा में चूक से, यद्यपि गौ माता किसी को साथ नहीं देती है, बहुत माता है, क्षमाशील है, लेकिन गौ सेवा में चूक हो जाए तो हो सकता है भगवान जी से ही सहन नहीं होता हो, विषाद जी से एक गायों को बचाने के ही निमित्त रात में वो गौशाला में थे, सिंह आ गया, अब सिंह आवाज सुनकर के ही सिंह पर प्रहार किया, सिंह की तो कान बस कटी, अब वो है भी तो चला गया, लेकिन एक गाय कट गई अनजाने में, तो उसका उन्होंने प्रायश्चित किया। गौ माता ने भले श्राप नहीं दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने वो जो कहा कि इस प्रकार का जीवन आगे तुम्हें जीना है, राजमहल के सुखों को त्याग कर दिया, तो ये वशिष्ठ जी का भी कोई साप नहीं है, उसको गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए प्रायश्चित स्वरूप को विधान बताया है, तो उस पर कृपा ही की है, उसको कोई दंड नहीं दिया है। और राजा मृग गौ दान करते थे, एक ही गाय का दो बार दान हो गया जाने में, और इसके कारण उनको गिर भी नहीं जाना पड़ा,
अब ऐसे अगर बातें हम करने लगे तो लोग गौदान करने से ही करने लगेंगे और कुछ बातें हो जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। गिरगिट भले ही बने लेकिन राजा मृग को गिरगिट शरीर से ही मुक्ति मिल गई, भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन मिला और उनकी मुक्ति हुई है। तो गौ माता ने किसी को धारक में जाने नहीं दिया, सेवा में कुछ चूक भी हुई तो भी, सेवा प्राप्त भी हुआ तो भी उनकी मुक्ति हुई है। तो इसका वर्णन नौवें स्कंध में तो राजा मृग की कथा में और प्रसन्न की कथा में हम गौ महिमा को वहां भी व्यक्त कर सकते हैं। अब दसवां स्कंध तो उसमें जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध में तो पूरी तरह से गौ माता की महिमा को हम भगवान जी की महिमा के साथ साथ लीला के साथ साथ प्रकट कर ही सकते हैं। दसवें स्कंध में प्रारंभ में ही प्रथम अध्याय में ही पृथ्वी गाय का रूप बना के ब्रह्मा जी के पास गई और जब वहां पर वो गई हैं और फिर गुरुसूत्र के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति हुई और फिर उनको वचन दिया गया, आश्वासन दिया गया कि मेरा बहुत जल्दी प्राकट्य होगा। भगवान जी स्वयं आए कृष्णावतार में और ये कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर साक्षात भगवान है, अवतार लेंगे नहीं कहा, अंश अंशांश कला ऐसा भी नहीं, प्रत्यक्ष स्वयं स्वयं भगवान जी है। और जनिष्यते तत्प्रियार्थं श्री जी के लिए, श्री राधारानी के लिए यहाँ पे संकेत भी हो गया कि उनकी प्रिया भी इस बार साथ में होगी, नाम भले स्पष्ट नहीं किया गया जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ऐसा करके श्री जी का संकेत भी हो गया। अब ब्रज में भगवान जी से मथुरा पहुंचे तो वहां पर मथुरा में प्राकट्य होते ही वसुदेव जी ने भी गौदान किया। नंद बाबा का गौदान तो प्रसिद्ध है कि 2 लाख गाय का उन्होंने दान दिया, लेकिन वसुदेव जी भी बेचारे कारागृह में थे फिर भी उन्होंने 10,000 गायों के दान का संकल्प ले लिया का जब मैं छोड़ूंगा जेल से तब दान दूंगा, संकल्प लेता हूँ। प्रजापति काल होता है जैसे संक्रांति काल में दान देना बड़ा महत्वपूर्ण है, पर्व काल में दान देना महत्वपूर्ण है और ऐसे ही जब बालक का घर में जन्म हो तो जन्म लेते ही जन्मना शौच प्रारंभ नहीं होता, जब तक नाम छेदन नहीं होता है तब तक सुकर प्रारंभ नहीं होता, जन्मना शौच प्रारंभ नहीं होता, नाल कटने के बाद ही जनना शौच प्रारंभ होता है। तो बालक के जन्म से लेकर नाल कटने तक का जो काल है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये प्राजापत्य काल कहलाता है। और इस काल में दान देने का भी जो फल है वो अक्षय हो जाता है, तो दान देने का ये अवसर सभी गृहस्थों को प्राप्त होता है। समझने की इसकी जानकारी रहे तो इसका भी वर्णन कर सकते, 10,000 गायों का वसुदेव जी ने वहां पर दान का संकल्प किया। मुदा के जो उधर माप को तो गवाह उन्होंने 10,000 गाय का संकल्प लिया। उसके बाद जब भगवान जी मथुरा से गोकुल पहुंच गए हैं तो कंस ने आकाशवाणी सुनने के बाद या उस कन्या के द्वारा कहे जाने के बाद कि तुम्हें मारने वाला कहीं और मिल चुका है, कंस ने अपनी बैठक की होगी अपने आश्रितों के साथ, तो उनके जो आश्रित हैं या कोट कहते हैं मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य ब्रह्म गोविप्रास तपो यज्ञाः सुलक्षणा। कि भगवान विष्णु ही, समय हो गया क्या, भगवान विष्णु ही सबके मूल हैं, सनातन धर्म के मूल हैं और रक्षक रक्षक हैं, आधार हैं और सनातन धर्म के गो विप्र ब्राह्मण भी आधार हैं, गाय भी आधार हैं और यज्ञ दक्षिणायुक्त यज्ञ भी सनातन धर्म के आधार हैं। तो हम देवताओं का पद घटाने के लिए हम ये काम करते हैं कि जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण हैं और गाय हैं उनको मार देते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों मारे, विप्रा गावस्य देवेदास्य तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया शिक्षा कृतवश्च हरे स्तनु। इनको मारने से, ब्राह्मणों को मारने से, गाय को मारने से
भगवान का पद हट जाएगा, वे कमजोर हो जाएंगे तो हम उनको उनका कुछ अहित कर पाएंगे। तो इसलिए भी ब्राह्मणों को और गायों को मारने का प्रयास हुआ। नंद बाबा जी के घर जब भगवान जी पहुंचे हैं तो नंद बाबा जी ने भी गोदान किया भगवान जी के जन्मोत्सव में। 1 करोड़ गायें जिनके पास हो तो नंद राय हो, 9 लाख हो तो नंद हो, ऐसे भानु भानु वाली संहिता में ये सब संख्या है, वो धन की संख्या के आधार पे। तो नंद बाबा जी अपने पुरोहित जी से पूछते हैं कि घर में बेटा हो तो क्या क्या दान करना चाहिए। जन्म से पूर्व ही उन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। 12 वर्ष एकादशी का व्रत किया था पदरानी ने, नंद बाबा जी ने, और बस्ती के लोगों ने भी, गोकुल वासियों ने भी, सबको लगता था कि बेटा ही होगा तो क्या क्या दान करना चाहिए। ये तैयारी की तो उनके पुरोहित स्वामी महाराज ने बताया कि गौ दान करना चाहिए बेटा हो तो जन्म के समय भी गौ दान और मरते समय भी गौ दान, के समय भी पूछ पकड़ा के संकल्प करवा के भगवान जी का प्रकट हुआ है। नंद बाबा जी दान करना चाहते हैं तो 2 लाख गाय का दान उन्होंने दिया है तो गौ दान होना चाहिए उनके पुरोहित ने बताया। तो कहा उसकी विधि क्या है, तब सांडिल महाराज ने बताया था कि सींग में सोना बढ़वाना है, खून में चांदी बढ़वाना है, गले में घंटा हो, रेशमी वस्त्र आच्छादित करना है, और ऐसे दोहनी पात्र हो, और अच्छी दूध देने वाली गाय हो, स्वस्थ गाय हो, इस प्रकार दान होना चाहिए। तो नंद बाबा जी कहते हैं एक ही गाय का दान देते हैं, ज्यादा देना चाहिए तो जितनी तुम्हारी शक्ति हो सामर्थ्य हो। तो कहा तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि 2 लाख गाय का मैं दान दूंगा, और इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने बलिदान किया, ये सब सिंह भूख पीठ सहित ऋषि वस्त्र आच्छादित करके। तो यहाँ पर भी गौ महिमा को हम व्यक्त कर सकते हैं। पूतना जब आई है, कल थोड़ी बहुत चर्चा हो गई है पूतना की, पूतना को मुक्ति क्यों मिली, इसमें भी गौ महिमा है। पूतना भगवान के हाथ मरी, भगवान जी को हृदय से लगाया, भाव चाहे जो भी हो दूध पिलाया, आदि पुराण के अनुसार पूरे जन्म में 12 वर्ष एकादशी का व्रत किया था, इसलिए भी तर गई। या पत्थरा अगर पूतना है तो राम जी ने कहा था कि कृष्ण अवतार में मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो वो सब अन्य कारण तो है ही। एक कारण यह भी है पूतना के उद्धार का कि जब पूतना मरी है तो उसका शरीर जो 6 कोष का उसका शरीर था, अब 6 कोष का कई लोग अन्नमय कोष ध्यान से अविद्या कह के भी वेदांत व्याख्या करते हैं, लेकिन भागवत जी ने लिखा त्रिगव्यू की उसकी लंबाई थी, वहां पर भी गौ माता की महिमा है। गव्यू की लंबाई मापने का एक मात्रक है, जैसे आप मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, तो एक गव्यू की क्या है पूतना की ऊंचाई कहा गया भागवत में त्रिगव्यू की। तो शांत वातावरण में गौ माता के लंबाने का स्वर जहां तक जाए वो एक गव्यू की है, तो लगभग 2 कोस तक आवाज पहले जाती थी जब वातावरण शांत रहता था। जब से आजकल गाड़ी मोटर फैक्ट्री ये सब दूर आया है, अब तो कभी कभी गौ माता जिस दिन चर के ना आए खोजने जाओ ना, तो 1-2 खेत पीछे भी आवाज जल्दी कान में नहीं आता है, अब शोर अधिक है, लेकिन शांत वातावरण में 2 कोस तक आवाज सुनाई देती थी। तो एक गव्यू की माने 2 कोस, और भागवत जी ने त्रिगव्यू की लिखा है, इसलिए पूतना की ऊंचाई 6 कोस एक कथाकार लोग वर्णन करते हैं, पूतना के गुरु है दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी ने ही ये सब विद्याएं पूतना को दी थी, पूजने की शक्ति, दूर चले जाने की शक्ति, वेश बदल लेने की शक्ति, ये सब दुर्वासा जी भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है कृष्ण कथा में, बहुत चर्चा होती है उनकी, कभी अंतर हो जाएगा। तो पूतना जब मरी है गोकुल में, भगवान जी ने जब उसका दूध दिया और उसके प्राण खींचे तो प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मास्थिता वज्रा हतो वृत्त तिवापतन नृप। जिस प्रकार देवराज इंद्र के द्वारा
वज्र प्रहार के बाद वृत्त गिरा, वृत्तासुर गिरा, ऐसे ही भगवान ने जब प्राण खींचे तो पूतना गिरी, और कहां गिरी तो प्रसाद गोष्ठे कोठे में, गौशाला में, गौशाला। अब गौशाला में जो मरे शरीर त्यागे तो मुक्ति हो रही है। जो सात पुरियां हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कामिका पुरी द्वारा गया सप्तता मोक्षदायी का, इन सात पुरियों में मरने से मुक्ति मिलती, ये तो कहा जा रहा है। हमारे बुद्ध जिले में एक स्थान है देवघर नगर पंचायत, वहां का एक व्यक्ति में काशी में ही मरूंगा कह के जब 50 वर्ष का था तो कमरा लेकर निवास करने लगा, 30 वर्ष निवास किया घर में आया नहीं मरा। अब घर में कई पौत्र के विवाह हो गए, कई पौत्र और प्रपौत्र का जन्म हो गया, तो आना जाना दोनों टिकट करा के 7 दिन का ही अंतर लिया उसने अपने घर देवकर आया 30 साल बाद, और यही दो दिन बाद मर गए। 30 साल काशी वास किया लेकिन मृत्यु नहीं हुई, और फिर वापस घर में जाके वो मरा। तो काशी में मरना या मथुरा में मरना या द्वारिका में मरना या हरिद्वार में मरना सबके भाग्य में नहीं है, पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाए और मृत्यु हो जाए, जन्म विवाह मरण किसी भी कह देंगे, तो ये तो प्रत्यक्ष है। और एक केवट जो है हमारे गुरु जी बद्रीनाथ जा रहे थे तो कहा बद्रीनाथ चलोगे, तो उसने कहा भगवान घर जाने में कौन मना करेगा, लेकिन वापस संसार में मत आना, ये भी कहा था केवट। भगवान महाराज जी ने चलो ठीक है, बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ जी का दर्शन किया, चौखट में केवट ने शरीर त्याग दिया, हत्या नहीं किया, वो पहले बोल दिया था पूर्ण स्वस्थ था कि आओ संसार में मत लाना, भगवान घर जा रहे हो तो जिसकी जैसी निष्ठा होती है वो फल भी मिलता है, लेकिन सबके भाग्य में इस प्रकार मरना संभव नहीं है। तो अयोध्या मथुरा माया ये सब जानते हैं श्लोक को, सात पुरियों में मरने से धाम में मरने से मुक्ति मिलती है। अब हम नहीं जा सकते उनमें तो खर्च भी लगता है, आजीवी 800-1200 रुपये कमरे का किराया हो गया, तीर्थों में कोई 30 साल 50 साल अगर जीवित रह गया नहीं मरा तो परिवार वाले भी आपको साथ साथ पैसा भेजना बंद कर देंगे। तो मुक्ति भी कैसे हो, तो भगवान जी की या गौ माता की कितनी बड़ी कृपा है, कहा गाय की गौशाला में भुया उतार के गई करके भुया उतारना, अंतिम समय में सैया में बिस्तर में किसी का प्राण ना निकले तो भुया उतारना कहते हैं। छत्तीसगढ़ में गोबर से मिलते हैं और गाय श्रीकांत में होगा ये, और तो अगर गाय के पौधे में भी गौशाला में भी मरना संभव नहीं होगा तो गोबर इतने स्थान में भी अग्नि समय में लेट रहे तो भी मुक्ति है, तो इससे बड़ी और कृपा ना हो सकती है। काशी में मरना संभव नहीं है, पर बहुत कठिन है, मथुरा में मरना कठिन है, लेकिन गोबर से लिपे हुए स्थान में मरना तो एक बार सुगम हो सकता है, गौशाला में मरना सुगम हो सकता है। तो ये बातें भी मैंने सुनता था, प्रमाण खोजता था कि ये कहाँ लिखा है कि गौशाला में मरे तो मुक्ति है या गोबर से लिपे हुए स्थान से मरे कहाँ मुक्ति, ये लिखा ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड में आया कि गावस्थम तीर्थम पर प्राण त्यक्वा नरस्तत्र सत्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम्, का जहाँ गौ माता निवास करती है वहां सभी तीर्थ निवास कर रहे हैं, और वहां पर जो प्राण त्यागते हैं वह व्यक्ति सत्यो मुक्तो तत्काल मुक्ति की प्राप्ति होती है, भवे और ध्रुवम यज्ञा की निश्चित मुक्ति होगी, ध्रुवम शब्द का उपयोग किया गया, अटल है इस काम की उसकी मुक्ति होगी ही। तो जब उतना उद्धार की ये कथा हम कहें उतना वध नहीं कहना चाहिए, या एकत पूतना मोक्षम कृष्णस्याभवम अद्भुतम, ये पूतना मोक्ष की कथा है, उतना वध की कथा नहीं है। श्रोणिया श्रद्धया वर्ते गोविंदे लभते अर्जुन, जो पूतना की कथा को सुनते हैं उनको भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है, या प्रेम हो और पुष्ट होता है। भागवत जी का श्रवण फल तो है ही, लेकिन लगभग 58 अध्याय में उस अध्याय का प्रकरण का स्वतंत्र श्रवण फल और है, उसमें पूतना मोक्ष का भी, यह एकत पूतना मोक्षम कृष्णस्याभवम अद्भुतम श्रोणया श्रद्धया वर्ते गोविंदे लभते अर्जुन,
जो उतना वो उसकी कथा को सुनेंगे उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति होगी। पूतना के प्रसंग में भी हम गौ माता की महिमा को व्यक्त कर सकते हैं कि गौशाला में गिरी। वैसे आदि पुराण में लिखा है कि बगीचे में गिरी, भागवत में लिखा है गौशाला में गिरी। हम लोग इसको मिला के कह देते हैं कि गौ माता पूतना तो छह कोस की है, अगर गौशाला में गिरती भले ही गौ माता तो चरने नहीं है लेकिन बछड़े तो रहे होंगे। लेकिन 2 लाख गायों का जो दान दिया नंद बाबा ने, तो 2 लाख गायों के लायक वो शेड है समझ लो, वो तो अभी खाली हो गया है ना, 5-6 दिन ही हुआ तो है दान दिए हुए, बस छठी के बाद तो ये उतना ही है। चतुर्दशी तिथि को अश्विनी को भगवान का जन्म हुआ तो वो खाली वाले गौशाला के हिस्से को ही उसका शरीर छू पाता है और उसमें वो गिरी है। एक बछड़ा भी भगवान के रहते किसी बछड़े का भी अहित कैसे हो सकता है, तो इसलिए किसी बछड़े का भी अहित नहीं हुआ है और पूतना का उद्धार भी हो गया। उसको गौशाला में चूंकि गोलोक धाम मेरा है इसीलिए भी गौशाला का स्पर्श करवा दिया, बोला गोलोक धाम भेज दिया। अब जो गति यशोदा जी की, जो गति देवकी जी की, वही गति पूतना की देवी भगवान जी ने। अहो बगीयम सरकार पूर्ण, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत जी का चौथे चरण में, कमवा गया शरणम रजीमा, ये श्लोक है भागवत जी का। तू स्थान स्थान पर हम गौ माता की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। अब पूतना उद्धार के बाद जब यशोदा मैया वहां पर पहुंची है, यशोदा मैया भगवान जी के ऐश्वर्य के उपासी नहीं है, माधुरी के उपासी है। वे ही ठाकुर जी बैकुंठ में विराजते हैं, वे ही ठाकुर जी मथुरा में विराजते हैं, वे ही ठाकुर द्वारका में विराजते हैं। लेकिन जो सुख ब्रजवासियों को मिला, ब्रज में भी वही ठाकुर है, वो मथुरा वासियों को और बैकुंठ वासियों को और द्वारका वासियों को नहीं मिला। कारण बाकी जगह भगवान ऐश्वर्य होके रहते हैं, मथुरा में, बैकुंठ में और द्वारिका में, लेकिन ब्रज में भगवान माधुर्य का विस्तार करते हैं, माधुर्य ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं और माधुर्य को प्रकट करते हैं। यद्यपि भगवान जहाँ है वहां उनका ऐश्वर्य रहेगा ही, ऐश्वर्य है तभी तो छठी दिन पूतना को मार दिया, लेकिन विस्तार किया माधुर्य का। मैया को क्या लगता है, अच्छा हो गया कि लाला के जन्म से 12 वर्ष पहले ही हर षष्ठी का व्रत मैंने प्रारंभ कर दिया, आज हर षष्ठी मैया ने मेरे लाला को बचा लिया। तो मैया का हृदय है वो ये नहीं मानती कि मेरा लाला भगवान है, ऐश्वर्य की दृष्टि नहीं है, ये स्वयं समर्थ है सबकी रक्षा ये करते हैं। मेरे व्रत ने बचाया इनको और गौ माता ने बचाया। तो वहां पर उन्होंने गौ माता के मूत्र से पूतना उद्धार के बाद, और पूज्य आचार्य जी ने भी महाराज जी ने पिछले सत्र में भी कहा था, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सारपटम, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का भी लेप किया या तिलक किया, रक्षां चतुर्थ सप्तता द्वारसांगे विष्णु नाम भी, और भगवान विष्णु के ही नामों से कवच जैसा उन्होंने वहां पर मैया ने, भाई मैया है माता का हृदय है, वो लाला पर संकट देके कैसे शांत रह सकती है, तो उनको जो उपाय ज्ञात था उसका उन्होंने प्रयोग किया। तो ये बात हम कथाओं में बहुत विस्तार से बताए कि नजर लग जाए बच्चों को, दो पूंछ को ऐसे ही क्लाट वाइज घुमा देने से दोष दूर हो जाता है। ये तो हम सुनते हैं, कुछ दिन पहले मैं प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ, भिलाई में मेरे ससुराल है, वहां पर घर में प्रेत बाधा शुरू हो गई। तो वहां का प्रेत क्या करता था, घर में साइकिल मोटरसाइकिल को पंचर कर देता था, बस उसका वही काम, अभी बना के लाओ फिर पंचर कर, नया टायर लगाओ, एक दिन में 20-40 पंचर कर देता था, माने उनको गाड़ी चलाने ही नहीं देता था। एक साल पहले की बात है, मैं भागवत कथा में दूसरे जिले में था, तो मेरे पत्नी के भाई ने फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना घट रही है, नया टायर लगा के जाता हूँ, दुकान से घर आते ही पंचर हो जाता है और आलपिन भी जलता है, बारीक बारीक कई कई कौन डालता है दिखता ही नहीं, कैसा इलाज है। तो मेरा बेटा अभी की बात तैयार हो
कर नहीं पाया है। फिर भी मैंने उसको कहा जाके दुर्गा का वर्ष भी पढ़ लिया मेरे घर में, बाद में मैं आऊंगा तो कुछ पाया दूंगा। तो वो दुर्गा का वर्ष पढ़ने के बाद उसने सोचा कि कुछ नवाण बन गए, नवाण जमने लगा तो उसकी माला टूट के बिखर गई। अरे माला तो थी क्योंकि वो प्रारंभिक साधन है, तो उसके ऊपर हो गया। फिर उस बेटे के ही मोटरसाइकिल में पंचर हो गया, 10-12 पंचर। तो वहां से 6 किलोमीटर मेरा घर है, वहां टायर फिर पंचर बनवा के आ रहा था, फिर पंचर रास्ते 3 बार बनवाया, तो 6 किलोमीटर पार किया, घर पहुंचा फिर पंचर। तो बेटे ने फोन किया कि मैंने तो वहां कुछ उपाय किया, कवर वगैरह पढ़ा दो, तो मेरे पीछे लग गया, मेरी गाड़ी को पंचर कर रहा है, क्या करूं। तो मैं भागवत कथा में दूर था, तो उसको कहा अपने मोटरसाइकिल में गोबर लगा दे, बाकी मैं आपको तो दे दूंगा। उसने गोबर लगाया और 7 ही बार में आया, तब तक एक बार भी पंचर नहीं हुआ, और आने के बाद मुझे और कुछ करना नहीं पड़ा, केवल गोबर लगाया था उसने। मैं अपने घर में अपने बेटे की बात बता रहा हूँ, एक वर्ष पहले की बात है। और उसके बाद फिर ससुराल वालों को कहा कि हो सकता है तो देसी गाय रख लो, अब शायद की संभावना हो, तो बाद में कुछ आपके यहाँ सरस्वती आदि का पाठ किए, तब से तो शांत मिल जाए। लेकिन गोबर का प्रभाव देखा कि बस गोबर लगा कर दिया, प्रेम माता पूरा हो गई। उसके बाद और कोई पाठ करना नहीं पड़ा, कोई यंत्र बांधना नहीं पड़ा, तो इतना चमत्कार है। छत्तीसगढ़ में गांव बराना कहते हैं, सावन में पहला लोग गांव के जो होते हैं झाड़ करने वाले, तो वो गांव बनाते हैं, तो गाय के गोबर से दीवार पर रेखा खींचवाते हैं ऐसे, और वैसे गांव के सीमावर्ती के घरों में रेखा खींचवा देते हैं। बाद में कहते हैं जिन घरों में भी अगर कई बार बचता है तो भी कर सकते हैं। तो सावन महीने में छत्तीसगढ़ में तो होता है, बाकी प्रांतों में मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है होता हो। तो गोबर से ऐसा उन्होंने गोबर करने से रेखा खींचते चारों के बराबर की के बराबर, तो इससे भी अब जब गोबर लगाने से मोटरसाइकिल कपड़े भाग गया, तो घर में लगाएंगे तो भागेगा ही। और जिन घरों में गोबर से नित्य लिपाई हो रही है, तो फिर वहां कहां प्रेम माता है। और जब से गोबर से लिपना बंद हुआ है ना, अभी प्रेम माता की संख्या में बाहरी होगा तो बहुत बढ़ रही संख्या, टाइल्स लग गया, रिलाइन लग गया, गोबर लग गई। अब उस शहरों के लोग गोबर लेने आते हैं, हमारी गौशाला में एक महिला आई थी, गोबर ले गई पानी लेकर के, पूछा दादा ने कहा फ्रिज में रखूंगी ताकि सूखने ना पाए, और जब जब पोछा लगाऊंगी तो छोटा छोटा निकाल के टाइल्स है पूरा पूरा बनेगा नहीं, तो जल में मिला दूंगा तो शुद्धता हो जाए। गोबर होता था इतना भी भाव है तो भी ठीक है, नहीं होने के लिए भी ठीक है, लेकिन पूरा पूरा लगे तो और क्या कहें। गोबर से लीपे हुए भूमि में ही यज्ञ हो सकता है, ब्राह्मण भोजन हो सकता है, पितरों का श्राद्ध तर्पण हो सकता है, और जो भूमि लीपी हुई ना हो वहां पे असुरों का वास होता है, आसुरी शक्तियों का वास होता है, और जितनी भूमि को गोबर से लीप दिया जाए वहां पे देवी शक्तियों का वास होता है, वो स्थान पवित्र हो जाती है। इसलिए यज्ञ भी करना हो तो गोबर से लीपे, और भारतीय गोबर से ही गोबर से लीपे ये भी बताना पड़ेगा, विशेष रूप से गौ महिमा के लिए। तो हम किसी भी पुराण में अलग से हमको विषय प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, प्रवेश कराने की आवश्यकता नहीं है, स्थान स्थान में गौ माता की महिमा है, और उस गौ माता की महिमा को हमको अधिक से अधिक प्रसंग के प्रसंग के अनुकूल बना करके कथा में व्यक्त करना है, जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, सेवा हो सके। आजकल एक कमी है हम लोगों में भी कि हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से कि गौ हत्या बंद हो जाए, तो अच्छी बात है होनी ही चाहिए, और सेवा भी सरकार ही करे। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, उसने गोठान योजना बनाई, उसमें एक लाभ यह हुआ है कि प्रत्येक गांव में गौ माता के लिए जमीन सुरक्षित हो गई। और लेकिन योजना आखिर है ही ना, शुक्राचार्य जी के शिष्य है तो पूरी पूरी होगी कहा, उसमें केचुआ खाद के लिए सेट है उनके प्रोजेक्ट में, कंपोस्ट खाद के लिए है,
एक बोरिंग करवा देंगे, ट्यूबवेल करवा देंगे, घेरा कर देंगे, लेकिन दो आवश्यक वस्तु को सबसे अधिक जरूरी है उसका अभाव है। गौ माता के लिए शेड नहीं बनाए हैं, छाया नहीं है और भोजन का प्रबंध नहीं है। बस खाद कैसे बनाए इसका प्रबंध है। तो कम से कम इसी बहाने पूरे छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में दो दो तीन तीन एकड़ जमीन आरक्षित हो गई, गौ माता के लिए संरक्षित हो गई। उसके बावजूद काम हो गया है, बोरिंग हो गया है, कंपोस्ट खाला के लिए टैंक बन गया है। अब उसमें जब भी अनुकूल सरकार आएगी तो कम से कम गौ माता के लिए सेट और चारे का प्रबंध कर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है मेरे पास कि लगभग 80 लाख गाड़ी और 119 गौशाला है छत्तीसगढ़ में और उनमें मात्र 14,000 गाय हैं। तो 80 लाख गायों का प्रबंध गौशालाओं के माध्यम से नहीं हो सकता है। और बहुत से गौशालाओं में हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठे हैं, आप सभी प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, बहुत से गौशाला चला रहे हैं, ये अनुभव कर रहे होंगे कि जिस प्रकार वृद्धाश्रम को कितना भी सुविधायुक्त क्यों न बना दिया जाए, वृद्ध माता पिता वहां बहुत सुखी भी रहते हैं, याद तो आती है अपने बच्चों की। उसी प्रकार गौ माता भी निजी गौ सेवा जहां होती है उनके घरों में जितनी पसंद रहती है, 600 700 या 3000 4000 जहां हो, वहां कहीं ना कहीं व्यवस्था में चूक हो जाती है, हमसे जानबूझकर भी ना हो तो अनजाने में हो जाती है कई बार। और हमारे पास जैसे जब तक 40-50 गाय थी सबको नींद से बांध कर ही उनका स्थान था वहां बांधते थे और टंकी बना हुआ उसके जो भी डालते थे उनका भोजन वो पाती थी। अब जब संख्या 100 से अधिक हो गई सेवक भी अब बांधने में या खोलने में अब केवल दोहने वाले गायों को ही बांधते थे, बाकी तो डाल दिया जा रहा। अब जो स्वस्थ गायें हैं तगड़ी गायें हैं वो झपट झपट के खाती हैं, कमजोर को किनारे कर देती हैं, लेकिन 3-4 दिन ध्यान नहीं दिए वो बैठ जाती है भूख के कारण कमजोर हो जाती है। अब गौ माता एक बार बैठ गई तो उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है बाद में चिकित्सा करने पर भी। तो सतत ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो 3000-4000 गायें हैं तो फिर 1-2 हजार गायों का मरना वहां पर होते ही रहता है, तो सेवा में ये चूक हो जाती है। तो इससे भी हम गौ माता निजी मतलब हम हिंदुओं के घर में जितनी सुखी रहेगी उतनी वो गौशालाओं में सुखी रहेगी, इसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक हिंदू के घर में गाय हो, एक एक दो गाय रखें। पूरे पीठाधीश्वर जी को कहते हैं आजकल पहले पहले गौ हत्या बंद हो कुंभा साल में, अब हर हिंदू गौ सेवा हो, घर 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 गौ सेवा हो इसका भी वो नारा लगवाते हैं। तो हर हिंदू के घर में एक गाय अवश्य हो, ये जोर भी हम लोगों को कथा के माध्यम से देना चाहिए। अच्छा, तो हम लोगों को प्राय 5-5 घंटे के सत्र का अभ्यास है कथा मंच में, तो इसीलिए कहते हैं वो कृष्ण जी का चित्र तो वैकुंठ पाठ में है, वो मान लो तो ये सारे देवता भाग है।
गाय, तो चेहरा गाय आज जो गाय है वो चेहरा वो मनुष्य स्वरूप उसकी जो पहली पुत्री है वो नंदिनी है, बाकी बहुला सुशीला कपिला पीना मानस एक एक बात। दूसरी बात जो कहना है कि अभी शहरों में जैसे मान लीजिए यहाँ पर टाइल्स लगा है, लेकिन हमको यहाँ पर खेत का दुष्ट करना है या हमको यहाँ पर गुजरात का ग्रामीण भोजन कराना है या कोई और चीज करनी है, शहरों की बात फ्लैट में जो लोग रहते हैं बहुत सरल उपाय है अपनी सूखी गमछा, आपके पास जो गमछा पतली वाली लंबी होगी उसको शुद्ध जैसे गाय है जिसका जो मृत मन के ऊपर उठता है ग्रामीण की तरह और फ्री होता है स्वस्थ गाय से अच्छी ये हो गोबर है एक किलो गोबर में 3 लीटर पानी या 4 लीटर पानी, एक किलो गोबर में 3 लीटर या 4 लीटर पानी आप उसको धोइए बढ़िया से उसको धोइए, जो सूती गमछा आपका है इसको सुखा लीजिए 1 मीटर 2 मीटर लंबा जो भी चौड़ा होगा उसको खूब धोवा उसको बढ़िया से करके उसको सुखा लीजिए। बता बड़ा कपार है जब भी आपके ऑक्सीजन को लगता है व्यक्ति के दिमाग में लगता है वेंटिलेशन का काम करता है अच्छी परवाह आती है वही करता हूँ मैं लेकिन बताया भी हूँ उसको होना करके जब तक उसको वो सुविधा पर बिछा दीजिए आप यहाँ बैठते हैं बिछा होगा उसको ऊपर का वो बिछा दीजिए उसको ऊपर बैठ दीजिए तो खुद ही मिल जाएगा वो आप भी कर सकते हैं उसमें व्यक्ति भी व्यक्ति का खुलने पर बैठे नीचे रख कर दीजिए जहाँ बैठते हैं वहाँ पर देखिए कोई भोजन करते समय बाकी समय बहुत बात तो ऐसी भी है कि कटिया इस तरफ सोते हैं पर सोते हैं उसके नीचे भी उसको बिछाइए और उसको थोड़ा डिस्टेंस होगा 1.5 फीट का होगा उसका ऊपर सोएंगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा। और जो पुण्य क्षेत्र की मिट्टियाँ हैं माने जिससे भी यहाँ बंगाल की मिट्टी है अपने चट्टान की यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं द्वारका का पूरी का भी मिट्टी कुछ भी करने वाले हैं तो ऐसी मिट्टियों को भी आप उसमें मिला दें और वो भी उस मंशी में आ जाए उसका भी आपको फल मिल जाए। और वो अपने मैं जब मेघालय में था बहुत कामसी क्षेत्र है और मुझे साथ नहीं करना है तो क्या करें तो ऐसे मिट्टियों को अपने ध्यान सौंपा था उसके लिए रखता था और 9 साल तक मैंने किया उसको जब असम में 10 वर्ष रहा उसको 9 साल में ऐसे किए तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं। और घर के सामने हम रंगोली करते हैं सर फ्लैट है आपको रंगोली करना है तो उसी को बिछा दीजिए उसको अपन रंगोली कर दीजिए एक छोटे से 2 फीट बाई 2 फीट का गोबर का बिना कमा रखी है सामने घर के सामने में उसको भी छोटे से रंगोली कर दीजिए तो भी आपका अंदर में जो दोष है वो नहीं आए ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो महाराज ने बताया गाय को उपाय तो हमारे पास 100 से ज्यादा उदाहरण है अभी जैसे आपने पेट पेट माता का गोबर मेरे एडिशन है एक्स्ट्रा है अपने यहाँ पर लखनऊ से आए नहीं है वीर पाल जी हमारे सहाकार दोस्तों प्रमुख हैं लखनऊ के एडवोकेट हैं रिपोर्ट वो हमारे साथ एक कार्यक्रम में थे गोपास के 50-50 वर्ष के हैं एक डॉक्टर है आलोक सिंह जी वो खुद सर्जन है उनकी नर्सिंग होम है 40 बेड का उनका नर्सिंग होम है उनको पुत्र बच्चा होना था लेकिन बच्चा अंदर में मां के पेट में नाक में पूरी तरह फिट गया और मां पूरा पेट खींच गया मां और वो छटता है दर्द से और मरने की स्थिति है अगर ब्रेड लगाएंगे और मन निकाले बच्चा को तो वो बच्चा और घूम जाएगा और घूम जाएगा दोनों मरेंगे पक्का वो स्कैन में दिख रहा है तो डॉक्टर है वो परेशान थे क्या करें क्या करें और वो होकर तकलीफ तो थी डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर सकते 6 बज गया 7 बज गया तो रात को 10 बजे पिताजी वो थे बहुत गोबर में वो पूजा करते थे उन्होंने कहा कि मेरे नंदिनी को कह दिया है नंदिनी के घर में गाय है उसको कह दिया है आप उसको घर के ऑपरेशन में ले जाओ रात को 10 बजे उसको ऑपरेशन में ले गए डॉक्टर अंदर बैठे के सारे लोग ये बात थी अलोक सिंह डॉक्टर आए थे तो अंदर नहीं थे तो अंदर डॉक्टर ने तय किया कि हम मृत्यु का भाग नहीं बने जैसे मरने वाली नहीं हो वैसे मरने को सोचते हम हाथ लगा के उसको काटेंगे और वो मरेगी पक्का हम हाथ लगाएंगे 100% मरेगी ये उनको ही मालूम था पता नहीं पिताजी के दोनों नहीं बचे लेकिन पिताजी ने कहा नंदिनी को बता दिया हो तो ऑपरेशन का तो ठीक 12:30 बजे 2 घंटे के बाद वो डॉक्टर बाहर निकल में बच्चा हो गया लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि रात को ठीक 12:30 बजे उसको दर्द हुआ चटपटाई हो जिस पर लेटा के उसको पेन किलर देते रखे थे बेहोशी का इंजेक्शन दे रखे थे तो पता नहीं असर क्या क्या पता नहीं वो खूब चटपटाई गिरी नीचे हुए करके उठी गिरी ऐसा कुछ कुछ हुआ उसका चिल्लाई और बच्चा हो गया तो आपको ये बात है
आपके मुख्य सोच अपने पर ले लें, दोष अपने पर ले लें, ऐसे सौ सूत्र का घटना है। खंडवा में जो अपने जिला कोषवा तिवारी जो जेल में जन्म दिए हैं उनकी घटना है। ऐसे एक अधिकारकर्ता अपने मध्य प्रदेश में ही है, उनकी बेटी परिवार नहीं हुआ तो वो एक घटना है, सौ से ज्यादा घटना है। अभी आपको बताएं वो और सौ से ज्यादा वाली घटना है, ऐसी अद्भुत घटना है, चमत्कार है, जिसको हम विश्वास नहीं कर सकते। कभी राम का जन्म हो गया, लेकिन आज भी गोमा, आज भी ये पिछले 10 वर्षों में 100 से ज्यादा घटना अपने कार्यकर्ता करोड़ों लोगों में नहीं, हम 10-20 हजार लोगों में, वो सब हम कितने कार्यकर्ता से जुड़े हैं, 5-7 हजार 10 हजार कार्यकर्ता रायपुर में जुड़े हैं, उसमें 100 से ज्यादा घटनाएं तो अभी चमत्कार हुआ है। इसे ये बिल्कुल विश्वास करना चाहिए कि एकमात्र गायक है, अगर उसने आपको स्वीकार कर लिया, आपके ऊपर उसको स्नेह हो गया, प्रसन्न हो गए, तो आपके दोषों को नहीं आपके मृत्यु को भी आपके ऊपर ले सकती है। सबसे बहुत उदाहरण अभी आपको पेट बाहर एक बार बताएं, इंदौर एक बड़ी चर्चा नहीं, एक